तो इसके अंदर पार्ट 38 में स्वागत है आपका। मीन लग्न में हम यहाँ पर इष्ट देखने जा रहे हैं। इष्ट आपके जीवन में मनोवांछित फल देते हैं, जीवन में उन्नति देते हैं, हर कदम में सहायक होते हैं, हर परेशानी से लड़ने की ताकत देते हैं, दुख सहने की क्षमता देते हैं, जीवन में सही राह मिले उसको चुनने में मदद करते हैं। इष्ट आप किसी भी लग्न में हमेशा पांचवें घर को माने। पांचवें घर में जो राशि है उस राशि के जो स्वामी हैं, उस स्वामी के जो अधिष्ठित देव हैं, वही उसके इष्ट कहलाते हैं। इष्ट चाहे मारक हो, कारक हो, सम हो, उनकी पूजन आपको हमेशा करना है। दान और रत्न की बात नहीं कर रहा हूँ, दान और रत्न आप विश्लेषण करके ही कराएं, क्योंकि कारक ग्रह मारक ग्रह के हिसाब से हमें रत्न पहनना होता है, दान करना होता है। कारक ग्रह का दान करेंगे परेशानी में आएंगे, मारक ग्रह कम कम डिग्री का उसका रत्न पहनेंगे बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इस लग्न में भी इष्ट देव को देखते हैं। 1 2 3 4 5 इस लग्न में चौथी राशि आ रही है। चौथी राशि यानी कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा के जो इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं, अधिष्ठित देव जो शिव हैं, तो शिव की पूजना, शिव की पूजा, शिव की आराधना, शिव की पूजा हमेशा करते रहें। शिव को आप दूध चढ़ाएं, शिव को आप जल चढ़ाएं, ये आपको हमेशा करते रहना है, क्योंकि चंद्रमा आपका अगर क्षीण है तो ये तो बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, कोई परेशानी है आप वीडियो में मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में जाकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो तक नमस्कार।